Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. A bag contains 20 coins. If the probability that the bag contains exactly 4 biased coin is 1 upon 3 and that of exactly 5 biased coin is 2 upon 3, then the probability that all the biased coin are sorted out from the bag in exactly 10 draws is option number 1. 5 upon 10 into 16 C 6 upon 20 C 9 plus 1 upon 10 into 15 C 5 upon 20 C 9 2. 2 upon 33 into 16 C 6 plus 5 into 15 C 5 upon 20 C 9 3. 5 upon 33 into 16 C 7 upon 20 C 9 plus 1 upon 10 into 15 C 6 upon 20 C 9 or 4. None of these. तो गिवन है हमें कि एक बैग में 20 कॉइन्स है, ठीक है। 20 कॉइन्स में से एग्जैक्टली 4 बायस्ड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1 अपॉन 3 के बराबर, और 5 बायस्ड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 2 अपॉन 3 के बराबर। तो हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एग्जैक्टली 10 ड्रॉज में हम इन सभी बायस्ड कॉइन्स को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, तो 10 ड्रॉज में सभी बायस कॉइन बाहर किस तरीके से होंगे, उसके लिए हमारे पास दो केसेस बनेंगे, ठीक है। केस वन, व्हेन 4 बायस कॉइन्स आर देयर, ठीक है। जब 4 बायस कॉइन्स होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो 9 ड्रॉज होंगे 1 से लेकर 9 तक, इसके बीच में 3 बायस्ड कॉइन और बाकी के 6 अनबायस्ड कॉइन बाहर आ जाए, ठीक है। और जो 10th होगा उसके अंदर जो 4th बायस्ड कॉइन है वो भी बाहर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रोबेबिलिटी कि 9 ट्रायल्स में या 9 पिक्स में हमारे पास 3 बायस कॉइन आ जाए और 6 अनबायस कॉइन आ जाए, वो क्या होगी, 9 में से टोटल 4 बायस कॉइन में से 3 को सिलेक्ट करने के वेज होंगे 4C3, और 16 नॉर्मल कॉइन्स में से 6 को सिलेक्ट करने के वेज होंगे 16C4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें से हम 20 में से 9 ड्रॉज कर सकते हैं वो है 20C9, और जो 10th है वो बायस आ जाए। तो अब जब 3 बायस बाहर आ चुके हैं तो कितने बचे बायस्ड, 1, और टोटल कॉइन्स कितने बचेंगे बैग में, सिर्फ 11, ठीक है। सिमिलरली केस 2 क्या होगा, जब 5 बायस्ड कॉइन हो और बचे हुए 15 अनबायस्ड, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से 10th ड्रॉ में अगर 5th बायस्ड कॉइन बाहर आना है, मतलब फर्स्ट 9 ड्रॉ में 4 बायस्ड कॉइन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 बायस कॉइन को लाने के चूज करने के तरीके 5C4, ठीक है। बचे हुए जो 5 अनबायस्ड हैं आउट ऑफ 15, उन्हें चीज करने के वेज 15C5 और टोटल नंबर ऑफ वेज 20C9, और 10th ड्रॉ में बचेगा अब सिर्फ 1 बायस कॉइन, उसे चूज करने के वेज 1 अपॉन 11, ठीक है। तो फिर हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कि 4 बायस कॉइन हो दैट इज 1 अपॉन 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द बायस कॉइन आउट इन 10 ड्रॉज जो अभी हमने निकाली, 4C3 इंटू 16C6 अपॉन 20C9 इंटू 1 अपॉन 11 प्लस प्रोबेबिलिटी कि 5 बायस कॉइन हो मतलब 2 अपॉन 3 इंटू प्रोबेबिलिटी कि 9 ड्रॉज में 4 बायस कॉइन आ जाए और 10th ड्रॉ में 5वां बायस कॉइन जो अभी हमने निकाला भी दिस, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन 33 हम दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं, और जब 2 अपॉन 33 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 16C6 प्लस 5 इंटू 15C5 अपॉन 20C9। सो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2 अपॉन 33 इंटू 16C6 प्लस 5 टाइम्स 15C5 अपॉन 20C9।
I hope you understood the explanation. Thank you.